अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत नरम मुलायम बेदाग चमकदार स्किन आखिर किसे पसंद नहीं। हर कोई चाहता है कि उसका फेस जो है वो खूबसूरत चमकदार और वाइट और ब्राइट होने के साथ साथ कोरियन जैसी ग्लास स्किन पाना चाहते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही जो ज़बरदस्त है, मैं एक ऐसी राइस क्रीम बनाना सिखाऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को एकदम से कोरियन जैसा क्रिस्टल क्लियर स्किन बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बनाने के लिए हमने लेना है एक प्याली चावल, उनको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और फिर हमने इनको फुल बॉईल करना है, 100% हमने इनको बॉईल कर लेना है, कोई भी इसमें जो है कच्चापन बाकी ना रहे। फुल हमने इनको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हमने इनको ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद आपने किसी भी मलमल कपड़े की मदद से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह अगर लम्स वगैरह हैं तो वो निकल जाए। और हमारी ये देखें बहुत ही स्मूथ सी, बहुत ही एक नरम मुलायम सी ये देखें टेक्सचर जो है ये इसका रेडी हो जाएगा। तो अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल, जो कि हमने मार्केट वाला यूज़ करना है ताकि हम इस क्रीम को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए सेव करके रख सकें। तो हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें एलोवेरा जेल का ऐड कर देना है। ये क्रीम आपकी स्किन को इतनी खूबसूरत जमा रखेगी कि आपकी स्किन पे जितनी भी फाइन लाइंस होंगी उनको भी ये दूर करेगी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लाइसरीन का, तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें ग्लाइसरीन भी ऐड कर देनी है जो कि आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं नशानात हैं उनको भी ये दूर करेगी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारी एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त सी और फटाफट से ये कोरियन ग्लास स्किन का जो राज है वो आपके सामने आ चुका है। तो आपने ऐसे इस क्रीम को रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही कम टाइम में ये रेडी हो जाती है। और ये देखें हमारी क्रीम जो है वो एकदम से स्मूथ टेक्सचर देखें इसका कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो हमने इनको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और इसको आपने यूज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने इस क्रीम को पहली बात यह है कि फ्रिज में स्टोर करके रखना है तकरीबन 1 से 2 वीक के लिए, बहुत लंबे अरसे तक आप इसको नहीं रख सकते। तो आपने इसको डेली जो है अपने फेस पर नाइट में अप्लाई करना है। पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद आपने अपने फेस पर इसको अप्लाई करके सो जाना है, ओवर नाइट रखना है इस क्रीम को। देन फिर आपने सुबह जो है किसी भी अच्छे फेस वाश से अपने फेस को वॉश कर लेना है, और अप जो है वो 3 दिन के इस्तेमाल से ही अपनी स्किन में वाजा फ़र्क महसूस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करते जाएँ। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।